हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ रियाज और आप देख रहे हैं माय यूट्यूब चैनल रियाज इंग्लिश क्लासेस। दोस्तों, आज हम बात करेंगे कंजक्शंस के बारे में। कंजक्शंस बेसिकली होते क्या हैं? दोस्तों, कंजक्शंस आपस में दो वर्ड्स, फ्रेजेस और सेंटेंसेस को आपस में जोड़ने का, कनेक्ट करने का काम करते हैं। बेसिकली कंजक्शंस जो है वो थ्री टाइप्स के होते हैं, जिसमें सबसे पहला आता है कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन, दूसरा आता है सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन और तीसरा आता है कोरिलेटिव कंजक्शन। बात करते हैं सबसे पहले कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन के बारे में। दोस्तों, कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन जो है वो सबसे कॉमन टाइप का कंजक्शन है और इसका फंक्शन यही है कि आपस में फ्रेजेस को, सेंटेंसेस को, क्लॉजेस को आपस में कनेक्ट कर देता है या जोड़ देता है। कुछ एग्जांपल से हम इसको समझते हैं। आइए पहले एग्जांपल देखते हैं। दोस्तों, सबसे पहला एग्जांपल आता है इसमें, पिज्जा एंड बर्गर आर माई फेवरेट स्नैक्स। दोस्तों, इस एग्जाम्पल में यह दिखाया गया है कि इस कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन ने आपस में दो वर्ड्स को कनेक्ट कर दिया, जोड़ दिया। वो दो वर्ड्स कौन से हैं? वो दो वर्ड्स हैं पिज्जा एंड बर्गर। आइए दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं। दोस्तों, दूसरा एग्जाम्पल यह है, द ट्रेजर इज हिडन इन द केव और इन द अंडरग्राउंड लगून। इसमें दोस्तों ये दिखाया गया है कि कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन जो है वो आपस में दो फ्रेजेस को भी कनेक्ट कर देता है। द ट्रेजर इज हिडन इन द केव और इन द अंडरग्राउंड लगून, दो फ्रेजेस है जिनको कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन ने आपस में कनेक्ट कर दिया, जोड़ दिया। आइए तीसरा एग्जाम्पल देखते हैं। दोस्तों, तीसरा एग्जाम्पल यह है, व्हाट दोज गर्ल्स से एंड व्हाट दे एक्चुअली डू आर कम्प्लीटली डिफरेंट। इसका मतलब यह है कि जो वो लड़कियां कहती हैं और जो वो करती हैं वो आपस में बिल्कुल ही अलग होता है, कम्प्लीटली डिफरेंट होता है। इसमें आपने देखा दोस्तों, इस एग्जाम्पल में दो क्लॉजेस को कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन ने आपस में कनेक्ट कर दिया, जोड़ दिया। दोस्तों, अगर आप इन कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन को आसानी से याद रखना चाहते हैं तो इनके लिए सिर्फ आपको एक वर्ड याद रखना है, वो वर्ड है फैन बॉयज। एन वॉइस का मतलब है दोस्तों एफ फॉर फॉर, ओ फॉर ए फॉर एंड, एन फॉर नॉट, बी फॉर बट, ओ फॉर और, वाई फॉर येट एंड एस फॉर सो। बात करते हैं दूसरे कंजक्शन के बारे में। दूसरा कंजक्शन है सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन। दोस्तों, ये कंजक्शन आपस में दो क्लॉजेस को जोड़ने का काम करता है। दो क्लॉजेस यानी कि दो छोटे छोटे सेंटेंसेस या दो छोटे छोटे फ्रेजेस टाइप के, जो मिलकर एक पूरा कंप्लीट सेंटेंस बनाते हैं, उनको जोड़कर ये एक नया पूरा कंप्लीट सेंटेंस बना देता है, उनको आपस में जोड़ देता है। जैसे कि इसमें कुछ कंजक्शन सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन देख लेते हैं, जैसे कि व्हाइल, एज सून एज, बिकॉज, बिफोर, नो मैटर हाउ एंड सो ऑन। आइए दो एग्जाम्पल देखते हैं। पहला एग्जाम्पल, इट इज सो कोल्ड आउटसाइड दैट सो आई ब्राउट यू अ जैकेट। और दूसरा एग्जाम्पल है, बिकॉज इट इज सो कोल्ड आउटसाइड आई ब्राउट यू अ जैकेट। इन दोनों ही सेंटेंसेस में अगर आप और से देखेंगे दोस्तों, तो या तो सबऑर्डिनेट कंजक्शन या तो बिल्कुल सेंटेंस के बिगिनिंग में आता है या दो क्लॉजेस के बीच में आता है और आपस में उनको कनेक्ट कर देता है। बात करते हैं तीसरे और आखिरी कंजक्शन के बारे में। तीसरा कंजक्शन आता है कोरिलेटिव कंजक्शन। दोस्तों, कोरिलेटिव कंजक्शंस जो है वो कंजक्शंस पेयर्स ऑफ कंजक्शंस होते हैं या जोड़े होते हैं कंजक्शंस के, जो आपस में सेंटेंस एलिमेंट्स को आपस में जोड़ देते हैं। सम कॉमन एग्जांपल्स ऑफ कोरिलेटिव कंजक्शंस आर ईदर और, नीदर नॉर, बोथ एंड, नॉट ओनली बट ऑल्सो, वेदर और। आइए कुछ एग्जाम्पल देखते हैं। एग्जाम्पल नंबर वन, आई कॉन्ट डिसाइड वेदर आई विल टेक मेडिकल टेक्नोलॉजी और केमिकल इंजीनियरिंग इन कॉलेज। सेकेंड एग्जाम्पल, बोथ माई फादर एंड माई ब्रदर आर लॉयर्स। इन दोनों ही एग्जाम्पल्स में दोस्तों आप देख सकते हैं कि कंजक्शन जो है वो पेयर्स में यूज हुए हैं या जोड़ों में यूज हुआ है। बोथ के साथ एंड का इस्तेमाल हुआ है, वेदर के साथ और का इस्तेमाल हुआ है, इसीलिए हम इसको कोरिलेटिव कंजक्शन कहते हैं, क्योंकि ये आपस में रिलेट करते हैं या आपस में रिलेटिव होते हैं, एक दूसरे के साथ ये जोड़े में ही इस्तेमाल किए जाते हैं। दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक करना, शेयर करना और प्लीज डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब रियाज इंग्लिश क्लासेस। थैंक्स फॉर वॉचिंग।